हाल ही में गांधी जयंती कब मनाया गया? 2 अक्टूबर को, और इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन आता है। हाल ही में 8वें महाद्वीप का मैप जारी हुआ, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जीलैंडिया, न्यूजीलैंड उसी पे बसा हुआ है। एशियन गेम 2023 में भारत के किस टेनिस जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले, डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया? तो 1 अक्टूबर को। हाल ही में आई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में पहला स्थान किसको मिल गया है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को मिला है, ये इंग्लैंड का है। और भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पे रहा है? तो IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ये भारत का टॉप पे। हाल ही में हाइकून नाम का पनडुब्बी किसने बनाया है? ताइवान ने। भारत में भूकंप चेतावनी प्रणाली किसने शुरू किया है? गूगल ने। और देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो उत्तराखंड के मसूरी में इसका उद्घाटन हुआ है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो टाटा की TCS है। और विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? 29 सितंबर को। 2023 चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो मिला कैटलिन कैरिको को और ड्र्यू बीसमैन को। नारी शक्ति बंधन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बन गया है? तो ये बन गया है 106 नंबर का। हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला चौथा राज्य कौन बन गया है? त्रिपुरा। इसके पहले 3 कौन थे? तो ये 3 थे। 2023 का सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार किसे मिला? तो मिला है रूई किसियांग झांग को, ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। और एशियन गेम 2023 में भारत की स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीत लिया है? तो गोल्ड मेडल। किस देश ने PET46 एंजाइम की खोज की है? तो जर्मनी ने किया है। ऑल इन वन किफायती बीमा कवर बीमा विस्तार को किसने शुरू करने की घोषणा की है? तो IRDAI ने। और हाल ही में किस राज्य ने स्वैच्छिक रक्तदान में विश्व भर में रिकॉर्ड बना दिया है? तो उत्तराखंड ने। और हाल ही में डॉक्टर मोहम्मद मुइजू कहाँ के राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए हैं? तो मालदीव के। और हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो KN शांता कुमार को। 2023 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार यानी फिजिक्स का किसको मिला है? तो मिला है 3 लोगों को, पियरे एगोस्टिनी, फ्रेंके क्रॉसज और एनीएल हुइलियर को मिला है, ये कंबाइंडली। 19वें एशियाई गेम में भारत के तजिंदर पाल सिंह ने शॉट पुट इवेंट में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। और सरकार ने सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवारी और लॉटरी पर कितने परसेंट GST लगा दिया है? तो 28%। तो T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम कौन बन गई है? तो ये बन गई है नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया गया? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और हाल ही में CBDT के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, उनका नाम क्या है? तो है नितिन गुप्ता। हाल ही में UPSC के नए सदस्य कौन चुने गए हैं? तो हैं डॉक्टर दिनेश दास। और हेड कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो हैं मनोज सोनी, ये हैं आपके सामने मनोज सोनी और ये हैं दिनेश दास। और इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया गया? 30 सितंबर को। और हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं रघु श्रीनिवासन, ये हैं आपके सामने रघु श्रीनिवासन। और एक बल एक जिला नीति कहाँ पर लागू हुआ? तो मणिपुर में लागू हुआ है। हाल ही में नरगिस मोहम्मदी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो पीस यानी शांति का पुरस्कार इनको मिलेगा इस बार नोबेल प्राइज में। और ये है आपके सामने नरगिस मोहम्मदी, क्यों मिलेगा इनको यह पुरस्कार? तो इनको यह पुरस्कार मानवाधिकार को बढ़ावा देने और ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई को लेकर दिया जा रहा है। हाल ही में जॉन फासे को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इनको मिला है लिटरेचर यानी साहित्य का, ये हैं आपके सामने जॉन फासे। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर मलेरिया की दवा बनाई है, उसका नाम क्या है?
तो उसका नाम है R21 मैट्रिक्स यम, ये है उसका नाम। और अभी हाल ही में WHO ने उसको मंजूरी दे दिया है। यह मलेरिया की दूसरी दवा है, हाँ ये भी ध्यान रखें, मलेरिया की सेकेंड दवा है, इसके पहले ही मलेरिया की पहली दवा बन चुकी है जिसका नाम है मास्क्यूरिक। इसको WHO ने हाल ही में मंजूरी दे दिया है। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर किसको बनाया है, तो ये बनाया है क्रिकेट के पिता कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को। इन्होंने कुल 6 वर्ल्ड कप खेला है। हाल ही में भारत के बाहर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पर बनाई गई है, तो ये बना है अमेरिका में, यह अमेरिका के मैरीलैंड में बनाया गया है। समानता का प्रतिमा यानी समानता का प्रतीक है ये वहाँ पे। हाइट इसकी है 19 फीट और आर्किटेक्ट इसके कौन है, तो राम बी सुतार। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र में भी इनकी मूर्ति बनी थी जिसका नाम क्या रखा गया, स्टैचू ऑफ नॉलेज, और इसकी जो हाइट थी वो है 70 फीट, तो इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में प्रोजेक्ट उद्भव को किसने शुरू किया है, तो इसको शुरू किया है इंडियन आर्मी ने। हाल ही में नीरज चोपड़ा और अनु रानी ने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इन दोनों का संबंध भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो से है। नीरज चोपड़ा ने कितना मीटर भाला फेंका था, तो 88.88 मीटर, इसको भी ध्यान रखें। राइडर कप 2023 किसने जीत लिया है, तो इसको जीत लिया है इस बार यूरोप ने, इसको जीता है। राइडर कप की बात करेंगे तो ये गोल्फ का होता है, इस बार इसका 44th एडिशन था और इसका आयोजन हुआ था इटली में, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया है 5 अक्टूबर को। इस बार का इसका थीम रहा है शिक्षा के लिए शिक्षकों की ज़रूरत। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करेंगे तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है CS लक्ष्मी को। ये है फोटो में CS लक्ष्मी, इन्हें अम्बी के नाम से भी जाना जाता है। भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक कहाँ पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है हैदराबाद में। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया गया, तो ये इस बार मनाया जा रहा है 4 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक। इसका थीम क्या रखा गया है, तो स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसका थीम है इस बार। मोबाइल हैंडलेस डिवाइस हाल ही में किसने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया है SBI ने, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो हैंडलेस डिवाइस है इसका मतलब क्या, तो इसकी मदद से मतलब एक छोटा डिवाइस है मोबाइल की तरह, जिससे क्या होगा, ये डोर टू डोर जो लोग एबल नहीं है बैंक तक पहुंचने में उनके घर जाएंगे और वहां पर लेन देन की जो है सुविधाएँ उनको प्रोवाइड करवाएंगे, यही इसका उद्देश्य है। और हाल ही में विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 4 अक्टूबर को। इसका थीम क्या है इस बार, तो ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल, ये इसका इस बार थीम रहा है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना किसने शुरू किया है, तो इसको शुरू किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, ये है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह सुक्खू। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना किसने शुरू किया है, तो इसको हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, ये है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। हम लोग करेंगे अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन। 2023 केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा, तो ये मोंगी जी बबोंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एक्यूमो को दिया जाएगा। रेस्पायर लिविंग साइंसेज की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक वायु प्रदूषित शहर कौन सा है, तो दिल्ली। 19वें एशियन गेम 2023 में भारत की पारुल चौधरी ने 5000 मीटर की रेस में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल। ईरानी ट्रॉफी किसने जीता है, तो रेस्ट ऑफ इंडिया ने। संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और किसके बीच में हुआ, बांग्लादेश के साथ। नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं हाल ही में, तरुण सोबती। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 किसने जीत लिया है, भारत ने जीता है पाकिस्तान को हरा के। और 3K स्कूली अभियान कहां पर शुरू हुआ, केरला में। और हाल ही में यवो गन 3304 जासूसी उपग्रह को किसने लॉन्च किया है,
चाइना ने। विश्व प्राकृतिक दिवस कब मनाया गया? 3 अक्टूबर को। हाल ही में क्लाउडिया गोल्डिन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो इन्होंने जीता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, इन्होंने जीता है अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज। और 2023 में जितने भी नोबेल प्राइज मिलने थे अब मिल चुके हैं, कुल 6 फील्ड में मिलते हैं। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, लिटरेचर हो गया और पीस यानी शांति हो गया। इन 6 ही क्षेत्र में 2023 में नोबेल प्राइज किसको मिलेगा इसकी घोषणा हो चुकी है। ये दिया कब जाएगा? ये 10 दिसंबर को दिया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर को ही जो सर अल्फ्रेड थे उनकी पुण्यतिथि यानी डेथ एनिवर्सरी होता है, इसी दिन उनको दिया जाता है ये। अब बात करते हैं कि ये जो क्लाउडिया गोल्डिन है इनको अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला है, क्यों मिला है, ये कौन है? यह अमेरिका की अर्थशास्त्री और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं। इनको यह पुरस्कार श्रम के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका पर लोगों की समझ बेहतर करने के लिए यह अवार्ड दिया गया है इनको। और भी जितने अवार्ड मिले उन सबको रिवाइज करेंगे हम लोग। बात करेंगे केमिस्ट्री यानी रसायन में किसको मिला, तो मोंगी जी बवेंडी को मिला, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई इक्यूमो को मिला केमिस्ट्री में। चिकित्सा यानी मेडिसिन में किसको मिला, तो कैटलिन कैरी को और ड्रू बीसमैन को मिला। भौतिकी यानी फिजिक्स में किसको मिला, तो पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्रॉस और एनी एल हुइलियर को मिला। वहीं पर शांति की बात करेंगे तो नरगिस मोहम्मदी को मिला है और साहित्य यानी लिटरेचर का मिला है जॉन फासे का। तो आपके सामने सारे नोबेल प्राइज जो 2023 में मिलने की घोषणा हो चुकी है सामने है, इसको याद कीजिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने स्टेशन का नाम बदल गया है, तो कुल 3 स्टेशन का नाम बदला गया है। उसमें से प्रतापगढ़ है, इसका नाम अब हो गया है माँ बेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। ये नाम रखे गए हैं वहाँ के लोकल जो धार्मिक स्थल है उसके नाम पर रखे गए हैं। अंतु जंक्शन का नाम क्या हो गया है, तो माँ चंद्रिका देवी धाम अंतु हो गया है। वहीं पर विश्वनाथगंज का नाम बदलकर अब शनि देव धाम विश्वनाथगंज कर दिया गया है। तो ये 3 नाम बदले हैं। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो वहाँ के सीएम कौन है, तो वहाँ योगी आदित्यनाथ। गवर्नर वहाँ की कौन है, तो आनंदीबेन पटेल। कैपिटल वहाँ की क्या है, तो वह है लखनऊ। क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, इसको भी ध्यान रखें। 19वें एशियन गेम के पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है, तो भारत इसमें रहा है चौथे स्थान पर, भारत रहा है चौथे स्थान पर। यहाँ पे देखेंगे हम लोग भारत ने इस बार टोटल 107 मेडल जीते हैं, जिसमें से 28 उसके पास क्या हैं, वो हैं गोल्ड, 38 क्या है सिल्वर और 41 है भारत के पास ब्रॉन्ज। अभी तक का ये भारत का सबसे अच्छा सफर रहा है यहाँ पे एशियन गेम में, टोटल हम लोगों ने 107 गोल्ड मेडल जीते हैं। यहाँ पे देखेंगे नंबर एक पे कौन है, तो नंबर एक पे चाइना है 201 गोल्ड, 111 सिल्वर और 71 ब्रॉन्ज के साथ, टोटल 383 हैं। सेकंड पे है जापान, थर्ड पे है साउथ कोरिया और फोर्थ पे है इंडिया। हाल ही में राजस्थान में कितने जिले बनाने की घोषणा की गई है, तो 3 नए जिले बनेंगे राजस्थान में। बात करेंगे राजस्थान की तो कौन कौन नए जिले हैं वो, तो मालपुरा जो कि टोंक जिले से वहाँ के अलग होकर बनेगा, सुजानगढ़ है जो कि नया बन रहा है, किससे अलग हो रहा है ये, तो चूरू जिले से वहाँ के अलग हो रहा है। कुचामन सिटी ये नागौर जिले से अलग हो रहा है। राजस्थान में अब टोटल जिलों की संख्या हो गई है 53, कितने हो गए हैं 53। वहाँ के सीएम हैं अशोक गहलोत और गवर्नर वहाँ के हैं कलराज मिश्र, कौन है कलराज मिश्र। और कैपिटल वहाँ की क्या है राजस्थान की, तो वह है सबको पता है जयपुर। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को ही क्यों मनाया गया, क्योंकि इसका फॉर्मेशन जब हुआ था 8 अक्टूबर 1932 में। कहाँ मनाया गया इस बार, तो प्रयागराज में मनाया गया और यहाँ पर एयर शो भी हुआ। इस बार इसका 91 एडिशन था और थीम क्या रहा, एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज, तो इसको भी ध्यान रखें। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया है 5 अक्टूबर को। कब मनाया गया, 5 अक्टूबर को मनाया गया। ये भारत का जो है राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो गंगेटिक डॉल्फिन है, नेशनल एक्वाटिक एनिमल। और जो भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, तो बिहार के पटना में, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में नोकिया ने 6G प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर किया है, तो इसका स्थापना हुआ है बेंगलोर में। मेरा गला अभी भी ख़राब है, आवाज़ सही से आ नहीं रहा, इसलिए कल वीडियो भी नहीं आ पाया था, मेडिसिन ले रहा हूँ, देखिए कब सही होता है।
और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो रेलवे एंड टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? तो 7 अक्टूबर को ये मनाया गया। ये है आपके सामने कपास। हाल ही में दिव्यांगजनों के लिए हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और यह भारत का पहला हाईटेक पार्क है जिसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको ध्यान का रखना है कहाँ हुआ है और किसने किया है और किस चीज़ का हुआ है। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना कहाँ पर शुरू हुआ है? तो इसकी शुरुआत हुई है असम में। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा। गवर्नर है यहाँ के गुलाब चंद कटारिया, और कैपिटल है असम की दीसपुर। असम में ही आपको मिलेगा काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि भारत का पहला ऐसा नेशनल पार्क है जो कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला ये पहला है। यहीं पर मिलेगा आपको देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। तो ये सब नेशनल पार्क जो हैं आपको असम में ही देखने को मिलते हैं। 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है प्रागवे में। ये कहाँ पे है? चेक रिपब्लिक की एक कैपिटल है प्रागवे। थीम क्या रहा इस बार? टूगेदर ऑन द रोड अगेन। हाल ही में मियूरा 1 रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है स्पेन ने। खास बात इसकी क्या है? तो ये रीयूजेबल है। हाल ही में रिलायंस जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो ये बने हैं क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। आपके सामने फोटो है इनका। और ICC वर्ल्ड कप जो चल रहे हैं इस समय, उसके ब्रांड एम्बेसडर पूछे कौन हैं? तो हैं शाहरुख खान। और ICC ने ही अभी ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है, वो किसको बनाया था? सचिन तेंदुलकर को। तो इसको भी ध्यान रखें। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बनने वाला तट मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटका में। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। ओकला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? 47 पर रहा है। पहले पर रहा है UAE। इसमें इंटरनेट की स्पीड चेक होती है। एशियन गेम 2023 में भारत की महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल। यह भारत का 7वां पदक था। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो पहले स्थान पर रहा है नीदरलैंड। भारत की बात करेंगे तो भारत रहा है 45th प्लेस में। और टोटल कितनी इसमें कंट्रियाँ थी शामिल? तो टोटल 47 शामिल थी, जिसमें हमारा रैंक क्या है? 45 है। इसको जारी कौन करता है? तो मर्सर इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है, और इस बार इसका ये 15th एडिशन था। कौन सा एडिशन था? 15th। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है? तो ऐसा किया है भारत की सुप्रीम कोर्ट ने। ये फैसला आया था 3-2 से। इसको भी ध्यान रखें। अब इसमें कौन कौन सी कम्युनिटी आती है तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें आता है LGBTQIA+। तो ये कम्युनिटी इसमें आती है। यहाँ पे आपका अल्फा लेस्बियन हो जाएगा, अगर गर्ल गर्ल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो लेस्बियन बोलते हैं उसे। दूसरा है गे, बॉय बॉय के वाला होता है ये। तीसरा है बाईसेक्सुअल, दोनों की तरफ अट्रैक्ट होना। ट्रांसजेंडर, जो जेंडर चेंज करा लेते हैं। और क्वेर क्वेश्चनिंग, जो कन्फ्यूज रहते हैं हम कौन से वाले हैं, गर्ल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर बॉयज की तरफ। एक है इंटरसेक्सुअल और एक होता है एसेक्सुअल। तो ये इतनी चीज़ें होती हैं। एसेक्सुअल जो होता है ये किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, ना तो मेल ना तो फीमेल की तरफ। तो इसको भी ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी BWF रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गई है? तो ये पहले स्थान पर पहुंच गई है, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बैडमिंटन के BWF रैंकिंग में भारत की कोई जोड़ी पहले स्थान पर गई हो। हाल ही में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने मलेशिया ओपन, कोरिया ओपन, स्विट्जरलैंड ओपन, इंडोनेशिया ओपन, बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप और एशियन गेम में भी इन लोगों ने गोल्ड जीता है। ये सारे जो ओपन होते हैं इन सब में इन लोगों ने जीता है। BWF की बात करेंगे तो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन फुल फॉर्म हो जाएगा इसका। फॉर्मेशन यानी स्थापना कब हुआ इसका? तो 1934 में। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर मिलेगा इसका कुआलालंपुर मलेसिया में। तो इतनी बातें ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में क्वांटम सपोर्टेड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को किसने विकसित किया है? तो इसको विकसित किया है IIT BHU ने। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है?
क्लीन एनर्जी। और भारत का लक्ष्य कब तक है कि कार्बन जो इमिशन होता है इससे मुक्त होने का? 2070। हाल ही में जास्कर महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो ये मनाया गया है लद्दाख में। ये यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग यहाँ फोटो में, ये मुखौटा डांस इसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लद्दाख में ही मिलेगा आपको हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। हाल ही में मणिपुर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो ये बने हैं सिद्धार्थ मृदुल। बात करेंगे मणिपुर की, मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, राज्यपाल गवर्नर हैं अनुसुईया उइके, और यहाँ की राजधानी यानी कैपिटल है इम्फाल। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 वार्ता हुआ है? तो यूके के बीच में हुआ है। इसमें भारत के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर पार्टिसिपेट करते हैं। हाल ही में बथुकम्मा महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो ये मनाया गया है तेलंगाना में। यहाँ की कैपिटल है हैदराबाद, सीएम है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन। हाल ही में किस मंत्रालय ने छात्रों के लिए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी शुरू किया है? तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसको शुरू किया है। और वर्तमान में भारत के एजुकेशन मिनिस्टर कौन हैं? तो वह हैं धर्मेंद्र प्रधान। और अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया यानी इंटरनेशनल पॉवर्टी एलिवेशन डे? तो ये मनाया गया 17 अक्टूबर को। हाल ही में लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किसने किया है? तो इसको हाल ही में किया है इसराइल ने। और इसराइल में इस समय वार चल रहा है इसराइल और फिलिस्तीन के हमास ग्रुप के बीच में। और इसराइल से फंसे भारतीयों को लाने के लिए हम लोगों ने कौन सा मिशन चलाया था? तो ऑपरेशन अजय चलाया था, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में द होप इनिशिएटिव कहाँ पर शुरू हुआ है? पंजाब में शुरू होता है, मुख्यमंत्री हैं भगवत मान। इसका उद्देश्य क्या है? तो नशे से मुक्ति दिलाना इसका उद्देश्य रहेगा। राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 या 2021 वाले हैं जो 23 में दिए जा रहे हैं, उसमें बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो मिला है अल्लू अर्जुन को। किसके लिए? तो पुष्पा मूवी के लिए इनको मिला है। बेस्ट पॉपुलर फिल्म की बात करेंगे तो RRR को मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री की बात करेंगे तो दो लोग को मिला है, एक तो आलिया भट्ट हैं, दूसरी कृति सेनन है। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन को मिनी मूवी के लिए दिया गया है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें रहा है 64 प्लेस पर। पहले प्लेस पर अगर पूछे कौन था इसमें तो डेनमार्क था। इसको पब्लिश कौन करता है इस रिपोर्ट को? तो नॉर्ड लेयर करके है वो इसको पब्लिश करता है। नासा ने किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो उसका नाम क्या है? साइकी। और CBI ने हाल ही में कौन सा अभियान शुरू किया है? तो चक्र 2 शुरू किया है। CBI की बात करेंगे, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CBI का फॉर्मेशन अगर पूछ ले कब हुआ था तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1963 में। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं डेनियल नोबोवा। कौन बने हैं? डेनियल नोबोवा। और सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट अभी तक के हुए हैं, इनकी उम्र इस समय मात्र 35 ईयर है। हाल ही में कटी बिहू त्यौहार कहाँ पर मनाया गया है? तो ये मनाया गया असम में। ध्यान रखें, कटी बिहू बोले, रंगोली बिहू बोले, सारे बिहू जितने भी होते हैं सारे असम के फेस्टिवल हैं। हाल ही में पुरुष गर्भनिरोधक इंजेक्शन का सफल क्लिनिकल परीक्षण कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है भारत में, ठीक है। और किसने किया है? तो भारत की ICMR ने। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। इस इंजेक्शन का जो इफेक्ट रहेगा वो लगभग 13 सालों तक रहेगा। हाल ही में सखारोवा पुरस्कार 2023 किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है जीना महसा अमीनी ने। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये रहने वाली हैं ईरानी, ईरान की ये रहने वाली हैं। और यह यूरोप का, यूरोपियन यूनियन जो है उसका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, सखारोवा अवार्ड जो होता है। विश्व सांख्यिकी दिवस यानी वर्ल्ड स्टैटिक्स डे कब मनाया गया? तो 20 अक्टूबर को मनाया गया है। अगर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिक्स डे पूछे तो ये 29 जून को मनाया जाता है। हाल ही में अपना चंद्रयान वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है NCERT ने। NCERT की बात करेंगे तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? नेशनल काउंसिल फॉर
एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग, इसका स्थापना यानी फॉर्मेशन हुआ, इसका फॉर्मेशन होता है 1961 में, और वर्तमान में इसके हेड कौन हैं, तो वो हैं हेड कौन हैं, दिनेश प्रशांत सकलानी। हाल ही में अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है, तो ये किया है पाकिस्तान ने। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, इसकी जो रेंज है वो कितना है, तो 140 किलोमीटर्स की रेंज होने वाली है। और ओडिशा के नए राज्यपाल कौन बने हैं अभी हाल ही में, तो ये बने हैं रघुवर दास। और इंद्रसेन रेड्डी कहाँ के बने हैं, तो ये बने हैं त्रिपुरा के। कहाँ के बने हैं ये, तो ये त्रिपुरा के बने हैं। और ये रघुवर दास कहाँ के बने हैं, तो ये उड़ीसा के, इसको ध्यान रख। हाल ही में रिवर्स स्विंग नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो इसको लिखा है अशोक टंडन ने। वैश्विक ऑन टाइम प्रदर्शन रैंकिंग में भारत का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टॉप पर रहा है, तो रहा है कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट। इसराइल ने हमास के हमले के जवाब में कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो चलाया है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस छठे स्वाद की खोज की है, तो अभी तक जितना फ्लेवर हमें मिलता था वो था 5 फ्लेवर, जिसमें कौन कौन होते थे, तो मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन और उमामी। उमामी बेसिकली इसको हम लोग खट्टा ही बोलते थे, जो कि किस में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, मशरूम, ये उमामी स्वाद का होता है, अपना ग्रीन टी, ये भी उमामी स्वाद का होता है। तो जो छठवां खोजा गया है वो कौन सा है, सेंसेशन, सेंसेशन यानी संवेदना, संवेदना। 28वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, तो मिला है करिश्मा तन्ना को। विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल भारत की एकमात्र पीएसयू कौन सी है, तो ये है आपकी एनटीपीसी। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसके फॉर्मेशन की बात करेंगे तो 1975 में हुआ, और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नई दिल्ली में, और वर्तमान में इसके CMD हैं गुरदीप सिंह। तो इतनी बातें ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। महिला हॉकी एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है, तो इस बार इसका शुभंकर है जूही, जो कि एक हाथी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप लोग फोटो में यहाँ पे देख सकते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 10 अक्टूबर को, और इस बार इसका जो थीम रहा है वो है मेंटल हेल्थ इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। और नीर महल जल महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो इसका आयोजन हुआ है इस बार त्रिपुरा में। त्रिपुरा की बात करेंगे तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं माणिक शाह, राजधानी वहाँ की है अगरतला। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन बना है इस बार, तो इसका अध्यक्ष है इस बार श्रीलंका, कौन है, श्रीलंका। इसका प्रेसिडेंट यानी है श्रीलंका, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो यह है अपना देश इंडिया, कौन है, इंडिया है। हाल ही में किस भारतीय एथलीट को विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है, तो ये चुना गया है जेवलियन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा ने अभी हाल ही में एशियन गेम में क्या जीता इन्होंने, तो गोल्ड मेडल जीता है। कितना दूर भाला फेंका इन्होंने, तो 88.88 मीटर। हाल ही में प्रोजेक्ट नीलगिरी तहार किसने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने ही इसको क्यों लॉन्च किया, क्योंकि जो नीलगिरी तहार है यहाँ पर दिख रहा है फोटो में, ये वहाँ का स्टेट एनिमल है और ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो इसको कंजर्वेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। बात करेंगे तमिलनाडु की, तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, राजधानी वहाँ की है चेन्नई, और गवर्नर वहाँ के हैं आर्यन रवि। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 111 प्लेस पे है भारत आउट ऑफ 125 कंट्रियाँ। 125 देशों में हमारा रैंक जो है 111, जो कि बहुत ही ख़राब है। वहीं पर अगर हम लोग अपने पड़ोसी देशों की बात करें, बांग्लादेश, बांग्लादेश की बात करेंगे तो ये है 81 प्लेस में, काफ़ी अच्छा स्थान है इसका। नेपाल की बात करेंगे वहीं पे, तो नेपाल है 69 पे, और श्रीलंका, श्रीलंका की अगर बात करेंगे हम लोग तो वो है 60 प्लेस पे। इनकी रैंक हमसे काफ़ी बेटर है। अच्छा, मेन तो छूट ही गया, पाकिस्तान, पाकिस्तान का भी रैंक हमसे बेटर है, 102 स्थान पर पाकिस्तान।
तो ये 2023 का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है, ये रैंकिंग है हमारा और हमारे पड़ोसी देश का। 125 में हम कितने स्थान पे? 111 पे। मतलब इसमें हम लोग को पाकिस्तान से भी खराब बताया जा रहा है। हाल ही में इसराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत ने कौन सा अभियान यानी ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन अजय चलाया गया है। और भी हाल फिलहाल में हम लोगों ने ऑपरेशन चलाया था, उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। तो करुणा ऑपरेशन किसके लिए? म्यांमार में चलाया गया था। कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। दोस्त अभी तुर्की और सीरिया में आया था भूकंप, और उनकी मदद करने के लिए हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन दोस्त। गंगा चलाया था यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए। और देवी शक्ति चलाया गया था अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। तो इसको भी ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला है? तो दो कंपनियों को मिला है, आंसर हो जाएगा डी। एक है इरकॉन, एक है रिट्स। ये दोनों ही कंपनियां रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इरकॉन का? तो इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड, और दूसरा है रिट्स रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड। सरस्वती सम्मान 2022 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है शिव शंकरी को। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन तब अनाउंसमेंट हुआ था कि इनको मिलेगा, और अब ये इनको मिल गया है। कहाँ की हैं ये? तो ये तमिल की हैं। कहाँ की हैं? तमिल की हैं। किसके लिए दिया गया है? तो इनके उपन्यास है सूर्यवंशम। सूर्यवंशम उपन्यास के लिए इनको दिया गया है। कौन देता है सरस्वती अवार्ड जो होता है? तो के बिरला फाउंडेशन, इसके द्वारा इसको दिया जाता है। कब से इसकी शुरुआत हुई? तो 1991 से। और पहला वाला अगर पूछ ले कभी किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को पहला वाला दिया गया था। इसको भी ध्यान रखें। और टोटल यह अगर बात करेंगे कितने भाषा में दिया जाता है, टोटल 22 भाषाओं में इसको दिया जाता है, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है या दिया गया है? तो ये मिला है माइकल डगलस को। ये हॉलीवुड के अभिनेता हैं और यह 2 बार ऑस्कर अवार्ड भी जीत चुके हैं, इसको भी ध्यान रखें। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया यानी इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे? तो ये मनाया गया है 11 अक्टूबर को। और वहीं भी पूछा जाए अगर कि राष्ट्रीय गर्ल चाइल्ड डे यानी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। हाल ही में किस राज्य के काजू को GI टैग मिला है? तो यह है गोवा का। गोवा की बात करेंगे तो वहाँ की राजधानी है पणजी, पणजी भी बोलते हैं उसको, और मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत गोवा के। अगर पूछे कि गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो मांडवी नदी किनारे बसा हुआ है। भारत और फ्रांस के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ फ्रांस के पेरिस में, और इस बार इसका यह 5वां संस्करण है यानी एडिशन है। और भारत की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसमें भाग लिया है। रोजगार प्रयोग नहीं होगा, ये प्रयाग होगा। रोजगार प्रयाग पोर्टल कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो लॉन्च हुआ है उत्तराखंड में। ये देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी हैं, तो यहीं पर लॉन्च हुआ है ये। विश्व दृष्टि दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 12 अक्टूबर को। कब मनाया गया? 12 अक्टूबर को। और इस बार अच्छा सा थीम है इसका, लव योर आई एट वर्क। हाल ही में WHO ने किस पहल की शुरुआत की है? तो स्पेक्स इस पहल की शुरुआत किया है। WHO की बात करेंगे तो स्थापना इसका होता है 7 अप्रैल 1948 यानी 7th अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर मुख्यालय मिलेगा इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में इसके जो हेड हैं वो हैं डॉक्टर टेड्रोस, जो कि G20 समिट में भारत में आए थे। और उत्तर प्रदेश ने राजकीय जलीय जीव किसको हाल ही में घोषित कर दिया है? तो गंगा डॉल्फिन, तो जो गंगा में डॉल्फिन पाया जाता है उसको अपना जलीय जीव यानी एक्वाटिक एनिमल, स्टेट एक्वाटिक एनिमल घोषित किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और 2022 राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान किसे दिया जाएगा? उत्तम सिंह को। और यह एक म्यूजिशियन है और ये मध्य प्रदेश के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। और हाल ही में ODI में सबसे ODI यानी वन डे इंटरनेशनल में सबसे तेज 1000 रन किस खिलाड़ी ने बनाए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर। विश्व डाक दिवस यानी वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया गया? तो 9 अक्टूबर को। हाल ही में कहाँ के तांगसा कपड़े को GI टैग मिला है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश का। और हाल ही में मैरांग सुरंग की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो जम्मू और कश्मीर में हुई इसकी शुरुआत। हाल ही में JNU ने किसे मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया है?
तो ये किया है तंजानिया की सामिया सुलुहु हसन को। हाल ही में युवा मितान परिवहन योजना कहाँ पर शुरू हुआ है? छत्तीसगढ़ में हुआ है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राजधानी है रायपुर और वहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक कहाँ पर शुरू हुई है? तो हुआ मोरक्को में। और मोरक्को की कैपिटल क्या है? तो वह है रबात। क्या है? रबात। विश्व कप में सचिन तेंदुलकर के सबसे ज़्यादा शतक के रिकॉर्ड को हाल ही में किसने तोड़ दिया? तो हिटमैन रोहित शर्मा ने इसको तोड़ दिया है। हाल ही में बंधन योजना कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में। हाल ही में साउथ इंडिया बैंक के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं बीएस कुरियन। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो वह है मुकेश अंबानी। पहले स्थान में भारत में कौन है? मुकेश अंबानी। हाल ही में न्यायिक सेवाओं में EWS के 10% आरक्षण की घोषणा किसने की है? तो बिहार ने किया है। और अभी 2023 P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन होगा यशोभूमि पे। कहाँ पे? यशोभूमि। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 20 अक्टूबर को। इस बार का इसका थीम अगर पूछ ले क्या है, तो इस बार का इसका थीम रहा है बिल्ड बेटर बोन्स। ये इसका इस बार थीम रहा। भारत के पहले नैनो तरल DAP संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। कहाँ पर हुआ है यह उद्घाटन? तो यह गुजरात के कलोल में हुआ है। DAP की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डाई अमोनियम फॉस्फेट। इफको ने इसको बनाया है, यहाँ पे दिख रहा है इसको, इस DAP को किसने बनाया है? इफको कंपनी ने बनाया है। इफको का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन फार्मर एंड फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका फॉर्मेशन यानी स्थापना हुआ 1967 में। हेडक्वार्टर मिलेगा इसको नई दिल्ली में और वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं दिलीप सांगवी। तो इतनी बातें ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में पैरा डोंगी में प्राची यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। प्राची यादव जो है ग्वालियर की रहने वाली हैं और इस खेल में यह भारत की तरफ से पहला गोल्ड है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और एक ही संस्करण में दो गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो अंकुर धामा ने। ये धावक हैं, इन्होंने 1500 मीटर और 5000 मीटर इन दोनों ही में गोल्ड मेडल जीता है। और वहीं पर बात करेंगे सुमित अंतिल की, जो कि जेवलिन थ्रोअर हैं, इन्होंने भी क्या जीता है? गोल्ड मेडल। सुंदर सिंह गुर्जर, ये भी जेवलिन थ्रोअर हैं, इन्होंने भी क्या जीता है? गोल्ड मेडल। इस बार जो ये पैरा गेम्स हो रहे हैं ये कौन से संस्करण का है? तो 4th संस्करण का है। हाल ही में श्रीलंका ने कितने देश को मुफ्त वीज़ा देने की घोषणा की है? तो टोटल इसमें 7 देश शामिल हैं, जिसमें से इंडिया है, चाइना है, रसिया, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड। इन देशों को ये वीज़ा फ्री में देगा ताकि यहाँ पे जो टूरिस्ट जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जा सके और उनकी इनकम और बढ़ सके, क्योंकि अभी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है श्रीलंका। IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो ये रहा है चाइना का बीजिंग। सेकंड पे कौन रहा है? तो भारत का मुंबई। और थर्ड पे कौन रहा है? तो पाकिस्तान का कराची। दिल्ली की बात करेंगे तो ये 6वें प्लेस पे रहा है। हाल ही में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में कहाँ पूछे? तो उसकी राजधानी है रियाद, वहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है। एडिशन इस बार कौन सा है? तो 7वां एडिशन है। थीम क्या रहा इस बार का? तो द न्यू कंपस इस बार का थीम रहा है। और भारत की तरफ से पीयूष गोयल जी ने इसमें भाग लिया है। हाल ही में लद्दाख ने किस वृक्ष को राजकीय वृक्ष घोषित किया है? तो जूनिपर नाम का वृक्ष है जिसका राजकीय वृक्ष घोषित किया गया, ये यहाँ पे आपको फोटो में दिख रहा है। इस जो ये जो पेड़ है इसका प्रयोग मसाले के लिए और जड़ी बूटी के लिए किया जाता है। लद्दाख की बात करेंगे तो अभी हाल ही में बना है ये UT। कब? तो 31 अक्टूबर 2019 को ये UT बना है। उसी दिन जम्मू एंड कश्मीर भी क्या बना है? UT बना है। लद्दाख के LG कौन है? तो वह है BD मिश्रा। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क, ये भी आपको कहाँ मिलेगा? लद्दाख में मिलेगा। भारत का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो यह इसकी स्थापना होगी उत्तर प्रदेश में।
उत्तर प्रदेश में पूछे कहाँ पे, तो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इसका स्थापना होगा। इसमें होगा क्या, तो ये बुज़ुर्ग लोगों के देखभाल के लिए एक सेंटर बनाया जाएगा ये, और ये पहले भी बन चुका है, ये तीसरे नंबर का है। पहला कहाँ बना था, तो एम्स दिल्ली में बना है, सेकंड वाला मद्रास में है, और थर्ड वाला ये है जो कि BHU में बनेगा। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो वहाँ के CM कौन है, तो वहाँ योगी आदित्यनाथ, गवर्नर वहाँ की हैं आनंदीबेन पटेल, कैपिटल वहाँ की है लखनऊ। लाओ लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है, तो गोमती नदी के किनारे। तो इतनी बातें ध्यान रखें, UP से बढ़ते हैं आगे। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन कहाँ पर होगा, तो इस बार इसका आयोजन होगा गोवा में। कब होगा ये, तो नवंबर मंथ में होगा। कब से कब तक, तो 20 से लेकर 28 नवंबर 2023 में इसका आयोजन होगा। किस नंबर का है ये, तो 54 नंबर का है। कहाँ पे हो रहा है, तो गोवा में हो रहा है। तो इतनी बातें ध्यान रखें। और इसकी ओपनिंग करेगा कौन, तो अनुराग ठाकुर, जो कि कौन है, भारत के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित डाउट क्लियरेंस बाट ऐप किसने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च कर रहा है आंध्र प्रदेश। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है आंध्र प्रदेश के, तो YS जगन मोहन रेड्डी हैं। कैपिटल यहाँ की अमरावती है, और गवर्नर हैं यहाँ के जस्टिस S अब्दुल नज़ीर। इस ऐप में होगा क्या, तो जो स्कूली बच्चे हैं उनको डाउट क्लियर के लिए ऐप बनाया गया है। हाल ही में सरस आजीविका मेला कहाँ पर शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ है हरियाणा में। और ये पहला वाला जो मेला हुआ था वो जम्मू कश्मीर में हुआ था, और दूसरा वाला हरियाणा के गुरुग्राम में होगा। वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला सैन्य अधिकारी हाल ही में कौन बनी है, तो ये बनी है साधना सक्सेना नायर। ये है इनका फोटो। और पहली महिला कौन थी जो बनी थी एयर मार्शल, तो वो थी पद्मा बंदोपाध्याय। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं, तो ये बने हैं अमोल मजूमदार। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बात करेंगे, तो अभी हाल ही में एशियन गेम जो हुए हैं, इसमें श्रीलंका को हरा के भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता, तो गोल्ड मेडल जीता था। कैप्टन कौन है वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम की, तो वह हैं हरमनप्रीत सिंह। BCCI की बात करेंगे, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। इसका फॉर्मेशन हुआ 1928 में, हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं रोजर बिन्नी, और सेक्रेटरी वो हैं जय शाह यानी सचिव। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना में शामिल जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किस राज्य से है, मतलब ये कहां पर स्थित है, तो यह स्थित है उत्तराखंड में। यह परियोजना नैनीताल में गोला नदी पर स्थित है, ठीक है। और यहाँ के उत्तराखंड की बात करेंगे, तो मुख्यमंत्री यहाँ के हैं पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर यहाँ के हैं गुरमीत सिंह, और यहाँ के दो कैपिटल है, विंटर कैपिटल क्या है देहरादून, समर है गैरसैंण। पूछे भारत का सबसे हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, तो है टिहरी डैम, जो कि कहाँ पर स्थित है उत्तराखंड में ही स्थित है। किस नदी पर, तो भागीरथी नदी पर। और सबसे लॉन्गेस्ट यानी लंबा हाइस्ट मतलब ऊँचा, सबसे लॉन्गेस्ट डैम कौन सा हो जाएगा भारत का, तो हीराकुड डैम। और ये किस नदी पर स्थित है, तो महानदी पर। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में खुलेगा, तो ये खुलेगा उत्तर प्रदेश में। भारतीय नौसेना से जुड़ी सारी यादगार चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। एशियन पैरा गेम 2023 में सिद्धार्थ बाबू ने कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल। सिद्धार्थ बाबू का संबंध किस खेल से है, तो शूटिंग से है ये। और इस जीत के साथ इन्होंने ओलंपिक में भी एंट्री कर लिया है। अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेल गन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है, यानी व्हिच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन फ्रॉम एन ऑफशोर वेसल्स, तो ये लॉन्च करेगा जापान। जापान की बात आई है, तो कैपिटल वहाँ की है टोक्यो, और करेंसी है एन। प्रधानमंत्री वहाँ के कौन है, तो फूमियो किशिदा हैं। वहाँ की पार्लियामेंट यानी जापान की पार्लियामेंट को हम लोग डायट बोलते हैं, और जापान को हम लोग निप्पन के नाम से भी जानते हैं, और लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जापान को जानते हैं हम लोग। जापान के साथ हम लोग कुछ एक्सरसाइज करते हैं, जैसे धर्मा गार्जियन हो गया, बीर गार्जियन, जी मैक्स, और मालाबार होता है। मालाबार चार देशों के बीच में होता है जो क्वाड कंट्रियाँ होती हैं, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में US ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीत लिया है,
तो इसको जीता है रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टपन ने। बिम्स्टेक के नए महासचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं इंद्रमणि पांडे। बिम्स्टेक के बारे में और जानते हैं थोड़ा। इंद्रमणि पांडे इज द फर्स्ट इंडियन टू बिकेम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले ये पहले भारतीय हैं कौन? इंद्रमणि पांडे। बिम्स्टेक की बात करेंगे तो फुल फॉर्म हो जाएगा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका बिम्स्टेक का फॉर्मेशन कब हुआ? तो 1997 में हुआ। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको इसका बांग्लादेश के ढाका में। इसमें मेंबर कंट्री यानी सदस्य देश की बात करेंगे अगर, तो भारत है अपना इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, भूटान और श्रीलंका भी इसमें शामिल है। और 2023 में अगर इसकी पूछे अध्यक्षता किसके पास है तो है थाईलैंड के पास। तो इतनी बातें ध्यान रखें बिम्स्टेक से बढ़ते। 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पे होगा ये? गोवा में होगा। इस बार इसका मैस्कॉट क्या है? तो है मोंगा। क्या है? मोंगा। हाल ही में कतर की एक अदालत ने कितने पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई है? तो 8 लोगों को सुनाई है। विश्व कप 2023 में भारत ने न्यूजीलैंड को कितने सालों बाद हराया है? तो भारत ने 20 सालों बाद न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप में हराया है। बात करेंगे इसके पहले भारत कब जीता था, तो 2003 यानी 2003 के वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था। और अब जाके 2023 में न्यूजीलैंड को भारत ने हराया है। तो ये 20 सालों का यहाँ पे गैप देखने को मिल रहा है। इस बार जो मैच हुए तो हिमाचल प्रदेश में खेले गए। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मैच खेला गया जिसको भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से हराया। न्यूजीलैंड की बात करेंगे तो टोटल 50 ओवर में न्यूजीलैंड ने 273 रन बनाए और ऑल आउट हुई टीम। उसके जवाब में भारत ने बनाए 274 रन 6 विकेट के नुकसान पर। विराट कोहली की बात करेंगे तो सबसे सर्वाधिक रन बनाया भारत की तरफ से 95 रन 104 गेंदों में। और मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए 54 रन देकर। और प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा है? तो वो रहे मोहम्मद शमी। वर्ल्ड कप 2023 की बात आई है तो इस बार इसका मैस्कॉट क्या है? इसका मैस्कॉट क्या है? तो वो है क्रिक्टोवर्स। क्रिक्टोवर्स है। और इसके अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? तो ये शाहरुख खान। और ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर इसके कौन बने हैं ये पूछे तो वो हैं सचिन तेंदुलकर। तो इतनी बातें ध्यान रखें वर्ल्ड कप के बारे में। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर जहाज का क्या नाम है? तो इसका नाम है INS इम्फाल। किस प्रोजेक्ट के थ्रू इसको लॉन्च किया गया? तो प्रोजेक्ट 15 में इसको बनाया गया है। हाल ही में देश के सबसे ऊंचे तिरंगे का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में भारत के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं ये। कहाँ पे हुआ है इसका उद्घाटन? तो अमृतसर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो अमृतसर में इसका हुआ उद्घाटन। अमृतसर कहाँ पे है? पंजाब में है। ये यहाँ पे हुआ है तो यहाँ पे जो पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, क्या नाम है उसका? तो अटारी बॉर्डर। अटारी बॉर्डर पे इसका उद्घाटन किया गया है। इसकी हाइट की बात करेंगे तो 418 यानी 418 फीट इसकी हाइट है। यहाँ पर तिरंगे की बात आई है तो उसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। जैसे इसके डिजाइन किसने किया था, तिरंगे झंडे को डिजाइन किसने किया था? तो उसको किया था पिंगली वेंकैया ने। और अगर ये पूछ ले कि भारत के संविधान ने कब तिरंगे झंडे को यानी ट्राई कलर को अपनाया था, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। हाल ही में किस राज्य के धोर्डो गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव की सूची में शामिल किया गया है? तो ये गुजरात का गांव है। डिस्ट्रिक्ट क्या हो जाएगा? तो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कच्छ। वहाँ पे ये धारडो गांव है। किसने घोषित किया है इसको सर्वश्रेष्ठ गांव की सूची में? तो UNWTO यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने इसको इसमें शामिल किया है। बात करेंगे UNWTO की तो इसका स्थापना यानी फॉर्मेशन हुआ 1946 में। और इसमें भारत कब शामिल हुआ? तो 1975 में। डेट को ध्यान रखें, इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 1946 में। और भारत कब शामिल हुआ? 1975 में। हेडक्वार्टर मिलेगा इसको मैड्रिड स्पेन में। और वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है अगर ये पूछ लिया जाए तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में कतर शतरंज टूर्नामेंट में वर्ल्ड चैम्पियन मैग्नस कार्लसन को किसने हरा दिया है?
तो इसको हराया है कार्तिकेय मुरली ने। किसने हराया? कार्तिकेय मुरली ने, ये भारत के हैं। और इसके साथ ही कार्तिकेय मुरली तीसरे भारतीय बन गए हैं जिसने वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं तंजावुर तमिलनाडु के। हाल ही में आपदा प्रबंधन के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया REC लिमिटेड को। REC लिमिटेड की बात करेंगे, फुल फॉर्म इसका हो जाएगा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका स्थापना यानी फॉर्मेशन हुआ 1969 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको इसका नई दिल्ली में, और प्रेजेंट टाइम इसके CMD हैं विवेक कुमार देवगन। और REC लिमिटेड जो है, अभी हाल ही में पढ़ाया था मैंने आप लोग को कि 12th नंबर की महारत्न कंपनी ये बनी थी। मिलन 24 अभ्यास का आयोजन कब होगा? तो इसका आयोजन होगा 2024 यानी 2024 में इसका आयोजन होगा। इम्पॉर्टेंट क्यों है? इसलिए क्योंकि इसमें 50 से ज़्यादा देश शामिल होंगे जब भी होगा। डेट क्या है इसका? तो 19 से लेकर के 27 फरवरी तक 2024 में ये चलेगा। और कहाँ पे होगा? तो विशाखापट्टनम में, भारत में। 2024 में भारत में ई प्रिक्स का मतलब होगा कि इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन होगा इस बार हैदराबाद में। हैदराबाद की अगर बात आई है तो किसकी कैपिटल है ये? तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन हैं? के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल यानी गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन। भारत में DG कवच प्रोग्राम को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है गूगल ने इसको लॉन्च किया है। ये साइबर क्राइम से प्रोटेक्ट करेगा। गूगल के बारे में और कुछ जान लेते। गूगल के फाउंडर की अगर बात करेंगे तो इसके फाउंडर थे लैरी पेज और सेरेगी ब्रेन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1998 में। हेडक्वार्टर है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। और इसके CEO हैं प्रेजेंट टाइम में सुंदर पिचाई। और इसकी पैरेंट कंपनी कौन है? तो अल्फाबेट। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 21 अक्टूबर को। हाल ही में पाउली नामक क्वांटम इंजन किसने विकसित किया है? तो इसको विकसित यानी बनाया है जर्मनी ने। हाल ही में श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है असम में। और यह असम का सेकेंड लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर होगा ये। इसकी लेंथ की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो हो जाएगी 2.28 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इस फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्वा शर्मा। कैपिटल है असम की दिसपुर। और यहाँ के गवर्नर हैं वर्तमान में गुलाब चंद कटारिया। असम की बात आई है तो इससे हम लोग कुछ स्टैटिक पॉइंट को भी जान लेते हैं। जैसे यहाँ का जो क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य है वो है सत्रिया। यहाँ पे आप परफॉर्म दे सकते हैं ये। और यहाँ पे नेशनल पार्क की बात करेंगे तो काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले राइनो यानी गैंडे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। दूसरा है मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क। और अभी लेटेस्ट जो मना है यहाँ का वो है दहिंग पटकाई नेशनल पार्क असम का, तो इसको भी ध्यान रखें। और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये भारत का पहला नेशनल पार्क है जो कि सेटेलाइट फ़ोन की कनेक्टिविटी यहाँ पे अवेलेबल है। बायोस्फीयर की बात करेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व की जो कि असम में है वो है दो, एक तो है मानस और दूसरा है डिब्रू शिकोवा। यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की अगर बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क इसमें शामिल है, यहाँ पे दिख रहा है। और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भी यहाँ इसमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। तो इतने स्टैटिक पॉइंट ध्यान रखें। असम से बढ़ते हैं आगे। हाल ही में पूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं क्रिकेटर मोहम्मद शमी। और पहले से इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो विराट कोहली तो पहले से ही हैं, अभी एक और बन गए हैं ये मोहम्मद शमी। ब्रांड एम्बेसडर की बात आई है तो वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो वो बनाया गया है शाहरुख खान को। और अगर पूछा जाए वर्ल्ड कप का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को। हाल ही में इसरो ने किस मिशन की टेस्टिंग की है? तो गगनयान मिशन का टेस्टिंग अभी हाल ही में हुआ है जो कि सफल रहा।
थोड़ा सा इसरो के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग गगनयान मिशन के बारे में डिटेल में जानेंगे। इसरो का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बेंगलोर कर्नाटका में। इसके फाउंडर कौन हैं, तो हैं विक्रम साराभाई। इसका फॉर्मेशन कब हुआ, तो 1969 में हुआ। तो ये स्टेटिक पॉइंट हो गया इसरो के बारे में। अब हम जानते हैं गगनयान मिशन के बारे में। तो एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजना इसका उद्देश्य है, यानी एस्ट्रोनॉट हैं इनको स्पेस में भेजना इसका उद्देश्य है। इसमें दो मॉडल की टेस्टिंग अभी हुई है, 21 अक्टूबर को हुआ है। ये कौन कौन, एक तो क्रू मॉडल टेस्ट हुआ है और एक है व्हीकल अबॉर्ट मिशन। गगनयान मिशन में होगा क्या, तो इसमें जो एस्ट्रोनॉट हैं इनको लेके जाया जाएगा, ये इसकी खास बात है। ये है हमारा मॉड्यूल जिसमें कि इनको बिठाया जाएगा। तो ये है गगनयान मिशन, जो कि इसकी टेस्टिंग हुई यहाँ पे, इसको लॉन्च किया गया और ये स्पेस में इंटर हुआ। ये हो गया इसका पहला स्टेज। दूसरे स्टेज में इसको क्या होना है कि इसे वापस सेफली आना है, क्योंकि इसमें एस्ट्रोनॉट बैठे हैं तो ये सेफली वापस आना है इसको। अब इसको हम लोग कहाँ पर वापस लेके आएंगे, तो बे ऑफ बंगाल। हमने टेस्टिंग कहाँ पे किया, बे ऑफ बंगाल में। यहाँ पे जब ये अर्थ के नज़दीक आने लगेगा, यानी सी के नज़दीक आने लगेगा, तो इसमें से पैराशूट ओपन होंगे। और ये इस तरीके देखिए, तीन पैराशूट आप लोग को दिख रहे हैं, ये ओपन हो गए यहाँ पे। और उसके बाद ये यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में लैंड हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसको रेस्क्यू कर लिया जाएगा इस तरीके से। तो ये है गगनयान मिशन। खास बात इसमें क्या है कि ये मानव रहित हो, अरे मानव युक्त होगा। इसमें ह्यूमन यानी एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा। जब भी भेजा जाएगा तो कितने लोग इसमें जाएंगे, तो कुल जाएंगे 3 लोग, जिसमें 2 मेल और 1 फीमेल हैं। तो ये हो गया तो पहला जो टेस्टिंग था। दूसरा टेस्टिंग हमने क्या किया था, अबॉर्ट मिशन का। अबॉर्ट मिशन क्या है, तो मान लिया कि अगर इसमें एस्ट्रोनॉट बैठ के जा रहे हैं और लौटते समय या फिर पहले भी कोई ख़राबी हो जाए स्पेस में ही, तो उनको बचाया कैसे जाएगा। तो उनके लिए है कुछ इसमें ऐसे गैजेट लगाए गए हैं इस मॉड्यूल में, कि उसको दबाते ही यहाँ से पैराशूट ओपन होंगे और वो बाहर इजेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से उनको बचाया जा सकता है। तो ये दो टेस्टिंग हुई है इसरो के द्वारा। इसको जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। इसको तीन स्टेज में लॉन्च किया जाएगा। जब भी लॉन्च होगा ये, पहले स्टेज में क्या होगा, तो वो मानव रहित होगा, यानी ह्यूमन उसमें नहीं भेजे जाएंगे। दूसरा स्टेज जो होगा उसमें भी ह्यूमन नहीं भेजे जाएंगे। जो इसका तीसरा स्टेज होगा उसमें एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा, 2 मेल और 1 फीमेल। ये 3 लोग जो जाएंगे लगभग 300 से 400 किलोमीटर ऊंचाई तक जाएंगे और 5 से 7 दिन तक वहाँ पे स्पेस में रहेंगे, घूमेंगे, ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को। उसके बाद सेफली इनको लैंड करा लिया जाएगा समुद्र में। तो ये है आपके सामने पूरा गगनयान मिशन के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्या है ये। बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं हो रहा है। जब ये लॉन्च हो जाएगा तब जो इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं वो पॉइंट आपके लिए मैं लेके आऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री मक्का मिशन हाल ही में कहाँ पर शुरू हुआ है, तो इसकी शुरुआत हुई है उड़ीसा में। उड़ीसा की बात आई है तो कैपिटल इसकी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं नवीन पटनायक और गवर्नर यहाँ के हैं गणेशी लाल। ब्लैक पगोडा टेम्पल आपको यहीं पे मिलेगा, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और लॉन्गेस्ट डैम की अगर बात करेंगे भारत की कौन सी है, तो यहीं पे है हीराकुड डैम, जो कि महानदी पर स्थित है। ये तो हो गया भारत का सबसे लॉन्गेस्ट डैम। अगर हाईएस्ट यानी ऊंचाई में पूछा जाए तो वो है टिहरी डैम। टिहरी डैम ये कहाँ पे है, तो ये है उत्तराखंड में है। किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर स्थित है, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में मिशन महिला सारथी की शुरुआत कहाँ पर हुई है, तो इसका शुरुआत हुआ है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो इसके बारे में कुछ जानते हैं हम लोग स्टैटिक के बारे में। तो इसका फॉर्मेशन जब हुआ था उत्तर प्रदेश का, तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था इसका फॉर्मेशन। और इसके पहले सीएम कौन थे, तो वो थे गोविंद वल्लभ पंत। पहली इसकी फीमेल सीएम कौन थी, तो सुचेता कृपलानी थी। और इसके पहले गवर्नर कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। वर्तमान में बात करेंगे यहाँ के सीएम कौन हैं, तो वो हैं योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन हैं, तो आनंदी बेन पटेल। और कैपिटल यहाँ की क्या है, तो वो है लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कुल 80 सीटें हैं, राज्यसभा में है 31 और डिस्ट्रिक्ट टोटल हैं उत्तर प्रदेश में 75। पहला भारतीय सैन्य धरोहर फेस्टिवल उत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में।
और इसको ओपनिंग किसने किया है, तो राजनाथ सिंह ने। यहाँ पे दिख रहे हैं फोटो में राजनाथ सिंह, ये भारत के क्या हैं, तो रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर हैं। हाल ही में हामून नाम का चक्रवात कहाँ पर आया है, तो ये आया है बे ऑफ बंगाल में। ये है बे ऑफ बंगाल, ये है अरेबियन सी और नीचे होता है इंडियन ओशियन, तो इसी में आया है। कौन सा नाम है इसका, हामून चक्रवात यानी साइक्लोन का। साइक्लोन कब आता है, जब बीच में क्या हो जाता है, लो प्रेशर रीजन हो जाता है, तो आता है आपका साइक्लोन। इसका नाम किसने रखा अगर ये पूछ ले, तो इसका नाम रखा है ईरान ने। हाल ही में एंथोरियम महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है मिजोरम में। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति कैफे कहाँ पर लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश के गोंडा में। 37वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक किस राज्य ने जीत लिया है, तो इसको जीता है असम ने। किस गेम में, तो बैडमिंटन में। बैडमिंटन में जो असम की फीमेल टीम है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो मेंस में बात करेंगे अगर, तो कर्नाटका की टीम ने जीता है मेंस में, कर्नाटका की टीम में, और फीमेल में असम की टीम ने जीता है गोल्ड मेडल। किसको हराया असम की टीम ने, असम की बैडमिंटन टीम ने, तो इसको गोल्ड मिला है। किसको हराया, महाराष्ट्र को हराया, तो महाराष्ट्र को सिल्वर मेडल मिला है। इस बार जो एशियन गेम हो रहे हैं वो कहाँ पे खेले जा रहे हैं, तो गोवा में इसका आयोजन हो रहा है। इस बार इसका शुभंकर यानी मैस्कॉट क्या है, तो वह है मोंगा। असम के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट भी देख लेते हैं हम लोग। अब असम की बात करेंगे, तो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के हेमंत बिश्वा शर्मा, कैपिटल वहाँ की है दीसपुर, और वहाँ के वर्तमान में राज्यपाल यानी गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। असम का जो है क्लासिकल डांस यानी जो है वो क्या है, तो वो है सत्रिया। क्या नाम है उसका, सत्रिया नाम है, हाल ही में ऐड हुआ है। और वहाँ पर नेशनल पार्क की अगर बात करेंगे असम में, तो काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, और लेटेस्ट जो बना है वो है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। तो ये कुल 7 नेशनल पार्क हैं, नेशनल पार्क हैं असम में। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे तो 2 हैं, एक है मानस, दूसरा है डिब्रू शिकोवा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कौन शामिल है यहाँ पे, तो काजीरंगा नेशनल पार्क शामिल है और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसमें शामिल है। तो इतने कुछ स्टैटिक पॉइंट हैं असम के बारे में, जिसको ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, मरियप्पन थंगावेलु ने एशियाई पैरा खेलों में कौन सा पदक जीता है, तो ये सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। ये हैं आपके सामने मरियप्पन थंगावेलु। और अभी हाल ही में पैरा जो गेम हैं ये स्टार्ट हुए हैं चाइना के होंगजू में, क्योंकि एशियन गेम जो थे वहीं पे हुए थे, तो वहीं पर ये भी होगा। ये किस चीज़ के खिलाड़ी हैं, तो ऊंची कूद यानी हाई जंप के खिलाड़ी हैं। कितना मीटर कूदे थे ये, तो 1.86 मीटर कूद के इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि 2016 में रियो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, 2017 में इन्होंने पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड भी मिला था, 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी ये जीत चुके हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। जो पैरा एशियन गेम हो रहे हैं इसके बारे में हम लोग कुछ और जानते हैं। तो पैरा एशियन गेम जो हो रहे हैं उसके ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर यानी ध्वजवाहक कौन है, तो वह हैं पारुल परमार और अमित सरोह। यहाँ पे हैं पारुल परमार और अमित सरोह दोनों लोग। इस बार ये जो एडिशन है किस नंबर का है, तो 4th नंबर का है। होस्ट कंट्री कौन है, चाइना। वही कंट्री होस्ट करेगी जो एशियन गेम अभी होस्ट की थी, वहीं पर होगा ये, तो चाइना के होंगजोहू में हो रहा है। इस बार का मैस्कॉट इनके शुभंकर इसका क्या रहा है, तो फेफाई इसका शुभंकर रहा है। कब तक चलेंगे ये गेम, तो 22 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक चलेंगे। टोटल इस बार 22 गेम इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें से भारत जो है 17 गेमों में भाग लेगा। और पहली बार 2 गेम इसमें शामिल किए गए हैं, एक है कनोइंग और दूसरा है ताइक्वांडो। तो ये इतनी बातें हो गई इसके बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा एशियन गेम के बारे में भी रिवाइज कर लेते हैं, जो कि अभी हाल ही में चाइना में ही हुए थे। एशियन गेम जो हुए, पहली बात तो ये 2021 वाले थे, जो कि 2023 में खेले गए। इसके ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बेयरर कौन रहे भारत के, तो वो रहे हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेनो। लवलीना बोरगोहेनो का संबंध किस खेल से है, तो बॉक्सर से। और हरमनप्रीत सिंह जो हैं भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन हैं। टोटल मेडल भारत ने कितना जीता इस बार, तो 107 मेडल भारत ने जीता है, जिसमें 28 गोल्ड हैं, 29 सिल्वर हैं और 41 ब्रॉन्ज यानी
कांस्य पदक है। भारत किस पोजीशन पर रहा इसमें? तो भारत रहा है चौथे पोजीशन पर। पहले पे कौन रहा? चाइना। दूसरे पे जापान और तीसरे पर रहा है साउथ कोरिया। फोर्थ पे तो अपना भारत है ही। इस बार जो एशियन गेम हुए वो कितने नंबर के थे? 19 नंबर के थे। कहाँ पे हुआ? चाइना के होंगजोंग में। भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन रहा? तो अमूल रहा है। और पहला एशियन गेम जो भारत में खेला गया था वो 1951 में नई दिल्ली में खेला गया था। 2018 वाला अगर पूछ ले कभी कहाँ पे खेला गया, तो इंडोनेशिया में। अगला 2026 वाला कहाँ खेला जाएगा? तो जापान में खेला जाएगा। भारत एशियन गेम को अभी तक दो बार होस्ट कर चुका है, 1951 और 1982 में कर चुका है। क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर कौन रहे? तो वो रहे पीआर श्रीजेश। ये हॉकी टीम के भारतीय जो हैं गोलकीपर हैं। तो इतनी बातें ध्यान रखें एशियन गेम से, बढ़ते हैं आगे। अगला है हाल ही में हरी माउस शक्ति 2023 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो यह भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित हुआ है। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? तो मेघालय में। कहाँ पे हुआ है इसका आयोजन? तो ये मेघालय में हुआ है। और अगर पूछे मेघालय में कहाँ पे, तो मेघालय के उमरई में इसका आयोजन हुआ है। इसमें भारत की तरफ से राजपूत रेजिमेंट ने भाग लिया है। मलेशिया की बात आई है तो उसकी कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। तो इतनी बातें इसे ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? तो ये क्रिकेटर थे ये बिशन सिंह बेदी, यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं आप लोग। और ये लेग स्पिनर थे भारत के। और या 1975 से लेकर के 1975 से 1979 तक ये भारतीय टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। और इनको पद्म श्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो इनका हाल ही में अभी निधन हो गया। क्रिकेट की बात आई है तो वर्ल्ड कप चल रहा है इस समय, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पहला वर्ल्ड कप जो खेला गया था वो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला गया था 1975 में। और इसको जीता किसने था? तो वेस्ट इंडीज ने इसको जीत लिया था। इस बार जो हो रहे हैं वो 2023 में। किस नंबर का है? तो 13वें नंबर का है। कहाँ पर हो रहा है? तो भारत। इस बार इसकी होस्ट कंट्री कौन है? भारत है। पहला मैच किसके बीच में खेला गया और कहाँ खेला गया? तो खेला गया है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया है अब। और यह हुआ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में, जिसको न्यूजीलैंड ने जीत लिया था। मैस्कॉट इस बार का क्या है? तो ब्लेज। दो चीज़ें हैं इसमें, ब्लेज ब्लेज जो शो कर, इसका मैस्कॉट है बेसिकली क्रिक्टोवर्स, जिसमें एक है ब्लेज। ब्लेज शो करेगा फीमेल फीमेल को, जो कि बॉलर को शो करेगा। और इसमें टोंक है जो कि मेल को शो करेगा, जो कि बैट्समैन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें ब्रांड एम्बेसडर की बात करेंगे तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान। और ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर की बात करेंगे तो वो हैं सचिन तेंदुलकर। इसका एंथम सॉन्ग कौन है? दिल जश्न बोले। ये अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो इतनी बातें होगी वर्ल्ड कप क्रिकेट से, बढ़ते हैं आगे। कानून और न्याय के क्षेत्र में काम करने के लिए वैश्विक नेतृत्व का पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? तो पहली बात आती है किसके द्वारा दिया जाता है। तो यह पुरस्कार हार्वर्ड लॉ ऑफ स्कूल के द्वारा दिया जाता है। दिया किसको गया है? तो डी वाई चंद्रचूड़ को। वर्तमान में यह भारत के चीफ जस्टिस हैं। कौन? डी वाई चंद्रचूड़। इनका पूरा नाम क्या है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये भारत के 50वें नंबर के वो हैं चीफ जस्टिस। तो इसको भी ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 22 अक्टूबर को मनाया गया है। थीम क्या रहा है इसका? तो वन साइज डज नॉट फिट ऑल। कोटक महिंद्रा के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं अशोक वाशवानी। कोटक महिंद्रा की बात करेंगे तो फॉर्मेशन हुआ 1985 में और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। आबू धाबी मास्टर 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है भारत की उन्नति हुड्डा ने। और इसमें सिल्वर कौन जीता ये पूछे तो सामिया इमाद ने इसमें सिल्वर मेडल जीता है। आबू धाबी की बात करेंगे तो ये यूएई की कैपिटल है। और ये टूर्नामेंट जो था बैडमिंटन का था, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में आईआरसीटीसी के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजय कुमार जैन। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन हो जाएगा। फॉर्मेशन इसका होता है 1999 में। हेडक्वार्टर मिलेगा न्यू दिल्ली में। हाल ही में भारत और मध्य एशियाई देशों के एनएसए की बैठक का आयोजन कहां पर हुआ है?
तो इसका आयोजन हुआ है कजाकिस्तान में। NSA की बात करेंगे तो फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, और वर्तमान में भारत के NSA कौन है तो हैं अजीत डोवाल, इन्होंने इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया।